सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। ठंडी के मौसम में मक्के की डिशेस खाना बहुत अच्छा लगता है। आज हम बनाएंगे पालक मक्का पूरी। इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के समय चाय के साथ बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं पालक मक्का पूरी। ये है पालक मक्का पूरी के इंग्रेडिएंट। एक भगोनी में आधा कप पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें डाल दीजिए कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और चॉप्ड किए हुए पालक। पालक को पहले साफ कर लेना है और फिर चॉप्ड कर लेना है और इस गर्म पानी में डाल देना है। इसके बाद इसे एक उबाल आने दीजिए और फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी। अब इसे छान लेना है। एक कप मक्के का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, इन सब चीज़ों को मिला लीजिए और इसमें अब एक बॉईल आलू को कद्दूकस कर लीजिए। छोटे वाले कद्दूकस से करना है, इस टाइप से। अब इसमें ठंडी की हुई पालक डाल देनी है, उसका पानी नहीं डालना है। इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च और अदरक डला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, पर अगर आप ज़्यादा तेज पसंद करते हैं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसे सान लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो पालक का जो पानी है वो डालें और नहीं पड़े तो नहीं डालना है। आलू से ये ऑलरेडी गीला हो जाता है। लास्ट में इसमें तेल डाल लीजिए और थोड़ा सा सान लीजिए और लगभग 15 मिनट के लिए सेट होने दीजिए। 15 मिनट में ये सेट हो जाएगा। इसके बाद छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लीजिए। अब हाथ में तेल लगाते हुए पूरी को बेलना है, इस टाइप से। आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, पर थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इस टाइप से कीजिए और तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। ये पूरी साइड से एकदम प्लेन नहीं बनती है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन पूरियों को तल लीजिए। इस टाइप से तेल डालते जाइए और पलटते जाइए। दोनों तरफ से इसे तल लेना है और पेपर टॉवल पे निकालते जाना है। लीजिए, तैयार है मक्के की क्रिस्पी पूरी। एक पूरी को तलने के लिए 30 से 35 सेकंड ही लगते हैं। ये फटाफट तैयार हो जाती है। वाओ, इस पूरी को जरूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो की लिंक को भी शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।